Morning, all my dear student of class 11th. कक्षा 11 के प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए कि हम लोग इंग्लिश प्रोज में द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल पढ़ रहे थे, जिसमें पूर्व में हम लोगों ने पांच पार्ट का अध्ययन किया है। छोटा छोटा पार्ट है और छठवां पार्ट आज मैं आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ। आपको किताब खोलिएगा बेटा। पूर्व में ये बताया गया था कि क्या कहते हैं, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज। क्या कहते हैं बेटा, इन्होंने स्पष्ट बताया था। तो फर्टिलिटी माने जन्म दर फॉल्स गिर जाती है एज इनकम राइज, जब आय बढ़ती है, एजुकेशन स्पेयर्स का प्रचार प्रसार होता है, हेल्थ इंप्रूव और स्वास्थ्य का सुधार होता है। दस इस प्रकार से डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रेस्टिव। इस प्रकार से विकास अपने आप में सबसे बड़ा गर्व निरोधक है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ में नॉट बी पॉसिबल, लेकिन विकास अपने आप संभव नहीं हो सकता इफ द प्रेजेंट जनरेशन इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यू। अगर वर्तमान बढ़ोतरी इसी प्रकार से रहेगी तो विकास अपने आप संभव नहीं होगा। बेटा यहाँ तक हम लोग अध्ययन किए थे। आगे कंटिन्यू करते हुए इन्होंने बताया, द रिच गेट रिचर। द रिच का मतलब धनवान लोग, गेट हो जाते हैं, रिचर माने धनवान। बेटा धनवान लोग धनवान हो जाते हैं। द पुअर बी गेट चिल्ड्रेन। द पुअर माने गरीब लोग, बी गेट माने जन्म देते हैं, चिल्ड्रेन माने बच्चों, और गरीब लोग बच्चों को जन्म देते हैं। विच कंडेम्न, जो निंदा करता है, देम माने उनकी, टू रिमेन रहने के लिए, पुअर माने गरीब, जो उन्हें गरीब रहने के लिए उनकी निंदा करता है, अर्थात उन्हें गरीबी में रखने के लिए दबाव डालता है, अर्थात ज्यादा बच्चे अगर होंगे तो व्यक्ति उनके पालन पोषण शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था करने में असमर्थ होगा। ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति स्वयं गरीब होता है और उनके बच्चे भी गरीब होते चले जाते हैं। मोर चिल्ड्रेन डज नॉट मीन, मोर चिल्ड्रेन ज्यादा बच्चों का डज नॉट नहीं मीन माने मतलब होता है मोर वर्कर, ज्यादा कार्य करने वाले। प्यारे बच्चों, ज्यादा बच्चों का ये मतलब नहीं होता कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कार्य करने वाले लोग हैं, बल्कि ज्यादा बच्चों का मतलब होता है मेयरली मोर पीपल, मात्र ज्यादा पीपल विदाउट वर्क, बिना कार्य। ज्यादा बच्चों का मतलब ये होता है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। इट इज नॉट सजेस्टेड, इट माने यह, इज नॉट माने सजेस्टेड माने सुझाव दिया जाता है, दैट की ह्यूमन बीइंग मानव के साथ बी ट्रीटेड माने व्यवहार किया जाए लाइक केटल पशुओं के साथ। बेटा ये कहीं पर सुझाव नहीं दिया जाता है कि मानव के साथ पशुवत व्यवहार किया जाए, जबरदस्ती उनका ऑपरेशन किया जाए। क्लियर हो रहा है? एंड कंपल्सरी, अनिवार्य रूप से स्टरिलाइज्ड, ऑपरेशन कर दिया जाए, नसबंदी कर दिया जाए। बेटा ऐसा कोई भी विधान नहीं है कि मानव के साथ जबरदस्ती किया जाए और उनका जबरन नसबंदी कर दिया जाए, ऑपरेशन कर दिया जाए। बट किंतु देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज है नो नहीं, कोई नहीं, अल्टरनेटिव माने विकल्प, टू वॉलंटरी माने स्वैच्छिक, फैमिली प्लान परिवार नियोजन का, लेकिन स्वैच्छिक परिवार नियोजन का कोई विकल्प नहीं है विदाउट, बिना इंट्रोड्यूसिंग माने बताए हुए, एन एलिमेंट एक तत्व ऑफ चोर क्वाइन ताकत या बल, बिना ताकत बल के परिचय दिए हुए
स्वैच्छिक परिवार नियोजन का कोई भी विकल्प नहीं है। अगर कानून स्वैच्छिक रूप से बल नहीं लगाएगा तो लोग जन्म देने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करेंगे। इसलिए जब तक बलपूर्वक जनसंख्या नियंत्रण का विकल्प नहीं खींचा जाएगा तब तक व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है। द चॉइस चुनाव इज है रियली माने वास्तव में बिटवीन मध्य में कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण एंड परपेक्टुअल माने हमेशा बनी रहने वाली आप पॉवर्टी माने गरीबी। चुनाव वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण और हमेशा बनी रहने वाली गरीबी में है कि आप हमेशा गरीब बने रहेंगे या बेटा आप परिवार नियंत्रित करेंगे जनसंख्या नियंत्रित करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की जनसंख्या इज एस्टिमेटेड माने अनुमान लगाई जाती है टू बी है 920 मिलियन टूडे 920 मिलियन टूडे माने आज। हिंदुस्तान की जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि आज हिंदुस्तान की जनसंख्या 920 मिलियन है। क्लियर हो रहा है? 1 मिलियन बराबर होता है बेटा 10 लाख। हिंदुस्तान की जनसंख्या लगभग अनुमान था 920 मिलियन है, ये अनुमान लगाया जाता है। मोर ज्यादा है देन द एंटायर माने संपूर्ण पॉपुलेशन माने जनसंख्या ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट माने रख दिया जाए टुगेदर माने साथ साथ। अगर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की संपूर्ण जनसंख्या को एक साथ रख दिया जाए तो उसकी तुलना में हिंदुस्तान की जनसंख्या ज्यादा है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका इफ बोथ कंट्रीज पॉपुलेशन आर पुट टूगेदर। नो वन फेमिलियर, नो वन कोई नहीं फेमिलियर माने परिचित है विद द कंडीशन माने दशा से इन इंडिया हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में इस दशा से कोई भी परिचित नहीं है। वुड डाउट संदेह होगा बेटा नो वन कोई नहीं फेमिलियर माने परिचित है विद द कंडीशंस माने दशाओं से इन इंडिया हिंदुस्तान में। वुड डाउट जिस पर संदेह है दैट कि द होप ऑफ पीपल लोगों की उम्मीदें वुड डाई माने मर जाएंगे इन दियर हंग्री भूखी हट मेट माने झोपड़ियों में। बेटा कोई भी हिंदुस्तान में इस दशा से बिल्कुल भीख नहीं है। किसमें संदेह किया जाए कि हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के लोगों की उम्मीदें भूखी झोपड़ियों में मर जाएगी अनलेस जब तक कि द पॉपुलेशन कंट्रोल जनसंख्या नियंत्रण इज गिवन माने दिया जाता है टॉप मोस्ट सबसे उच्च प्रायोरिटी माने प्राथमिकता। अगर जनसंख्या नियंत्रण को सबसे उच्च प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तो हिंदुस्तान की जनसंख्या की उम्मीदें, हिंदुस्तान के लोगों की उम्मीदें भूखी झोपड़ियों में मर जाएंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इन ह्यूमन हिस्ट्री मानव इतिहास में, पहली बार मानव इतिहास में बीसी हम देख रहे हैं एक ट्रांसेंडिंग कंसर्न। बेटा ट्रांसेंडिंग कंसर्न बढ़ती हुई चिंता, मानव इतिहास में हम पहली बार बढ़ती हुई चिंता को देख रहे हैं जो सामान्य से हट करके विशेष है। ट्रांसेंडिंग माने सामान्य से हट करके विशेष कंसर्न माने चिंता। द सर्वाइवल जीवन यापन नॉट नहीं जस्ट ऑफ द पीपल व्यक्ति के रूप में, केवल व्यक्ति के रूप में जीवन यापन करना ही नहीं बट ऑफ द प्लैनेट बल्कि अपने ग्रह के जीवन यापन की चिंता दिखाई दे रही है। आज मानव इतिहास में मानव केवल अपने जीवन यापन के प्रति ही चिंतित नहीं है बल्कि वह तो अब अपने ग्रह के जीवन यापन के प्रति चिंतित है। वी हैव बिगन, हमने शुरू कर दिया है टू टेक माने लेना ए होलिस्टिक व्यू।
होलिस्टिक माने संपूर्ण व्यू माने दृष्टिकोण, आप द वेरी बेसिस, बहुत ही आधार से आप आवर एक्सटेंस अपने अस्तित्व के लिए, हमने अपने अस्तित्व को अपने अस्तित्व के लिए बहुत ही आधारित संपूर्ण दृष्टिकोण को समझना प्रारंभ कर दिया है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पर्यावरणीय समस्या, डज नॉट, नहीं है, नेसेसरी माने आवश्यक, सिग्नल माने संकेत, आवर डिमाइस माने हमारे मृत्यु का, पर्यावरणीय समस्या हमारी मृत्यु के लिए केवल आवश्यक संकेत ही नहीं है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पर्यावरणीय समस्या, डज नॉट, नहीं है, नेसेसरी माने अनिवार्य, सिग्नल माने संकेत, आवर डिमाइस माने मृत्यु का, पर्यावरणीय समस्या हमारे मृत्यु का आवश्यक संकेत नहीं है, बल्कि इट इज, यह है आवर पासपोर्ट, हमारा आधिकारिक पत्र फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, बल्कि यह भविष्य के लिए हमारा आधिकारिक पत्र है। बेटा इन्होंने बताया द इमर्जिंग माने उभरता हुआ, न्यू वर्ल्ड विजन, नए संसार का स्वप्न, हैज यूजर्ड, हैज यूजर्ड, बेटा हैज यूजर्ड का मतलब हुआ, एक मिनट, सॉरी, द इमर्जिंग उभरता हुआ न्यू वर्ल्ड, नया संसार का विजन माने स्वप्न, हैज यूजर्ड इन द एरा, हैज यूजर्ड माने प्रारंभ कर चुका है, इन एरा माने युग, ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी का, उभरता हुआ नए संसार के सपने, एक जिम्मेदारी के युग का आरंभ कर चुका है। इट इज ए होलिस्टिक व्यू, या एक संपूर्ण नजरिया है, किसी एक का नजरिया नहीं है, यह संपूर्ण नजरिया है या विशेष नजरिया है। एन इकोलॉजिकल व्यू, एक पारिस्थितिकी नजरिया है, सीइंग द वर्ल्ड, संसार को देखना, एज एन माने एक, इंटीग्रेटेड, एकीकरण के रूप में, संसार को एकीकरण के रूप में देखना, यह एक संपूर्ण नजरिया है या एक पारिस्थितिकी नजरिया है। होल दें रादर दें सामान्य रूप से, ए डिसोसिएट माने असंबंध, कलेक्शन माने समूह, ऑफ द पार्ट माने अंश, अंशों के असंबंध, अंशों के असंबंध, समूह की तुलना में, संसार को एक संपूर्ण एकीकरण के रूप में देखना, यह एक संपूर्ण नजरिया है, यह एक पारिस्थितिकी पूर्ण नजरिया है। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर हम इस लेक्चर को समाप्त करेंगे और अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम शेष भाग को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। बेटा यहीं पर हम इस पार्ट को समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।